अयोध्या राजमार्ग पे इस हम लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे बारामती पुलिस ने पूरा डायवर्ट कर दिया है और जितने भी श्रद्धालु बस है जितनी भी गाड़ियां हैं इन सबको यहाँ से हटा दी गई है। पूरा रास्ता डायवर्ट कर दिया। अयोध्या पे जाने वाले मार्ग पे एकदम पूरी दिक्कत हुई है, जाम लगा हुआ है, लंबा जाम लगा हुआ है और ये जाम करीब कई किलोमीटर में है और इसको इसको मार्ग डायवर्ट करते हुए रामनगर होते हुए भेजा जा रहा है। देखिए सामने ये पूरा अयोध्या अयोध्या मार्ग है और हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए पूरा मार्ग बंद कर दिया गया है क्योंकि अयोध्या में श्रद्धालुओं का तादाद लाखों की संख्या में पहुंच चुकी है और वहाँ कदम रखने की जगह नहीं है। ऐसे में सारे ट्रैफिक को पुलिस यहाँ पे मेंटेन करते हुए डायवर्ट कर रही है। ये देखिए ये बैरिकेडिंग कितनी गाड़ी है, पूरी तरह से इस मार्ग को बंद कर दिया गया है। ये नेशनल हाईवे है जो लखनऊ से अयोध्या जाता है और आज यहाँ पे कल प्रातः प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था अयोध्या में, इसको देखते काफी भीड़ थी और आज ये सब पूरा बंद कर दिया गया। देखिए यहाँ पे सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, सीईओ एडीएम एसडीएम सब बैठे हैं लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोग मैनेज नहीं कर पाए। ये देखिए यहाँ पे कुछ नेता जी भी आए हुए हैं और ये काफी कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के झंडा भी लगाए हुए हैं और ये जाने के लिए कह रहे हैं लेकिन पुलिस वाले इनको नहीं जाने दे रहे। ये है इनकी भी गाड़ी को डायवर्ट कर दिया गया है, ये भी वीआईपी गाड़ी है लेकिन इनको भी सीधे अयोध्या नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस स्कूल बसें हैं, स्कूल बसों को भी डायवर्ट किया जा रहा है और इसके अलावा जितनी भी गाड़ियां हैं उनको भी यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है। यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही है, परेशानियां हो रही है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन देखिए हाईवे भी कितना लंबा जाम लगा हुआ है और उसमें कैमरा उठा दिखाइए, देखिए पुलिस वाले कैसे रोक रहे हैं, हाईवे भी कितना लंबा जाम लगा हुआ है। किधर से होते हुए मार्ग डाइवर्ट का, किधर से मार्ग डाइवर्ट है, लोग किधर जा रहा है, रामनगर गोंडा, रामनगर गोंडा होते हुए जा रहे हैं। ये जिनको फैजाबाद जाना है वो काफी लंबी यात्रा करते थे, उनको फैजाबाद अयोध्या गोंडा या गोरखपुर जाना है तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये पूरा हाईवे जाम है। यहाँ पे हम कुछ और लोगों से भी कुछ यात्री भी है, कुछ परेशान हाल भी है, उनसे भी बात करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि ये लोग कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं अपने परिवार के साथ में और इनसे पूछते हैं कि क्या दिक्कत, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, कहाँ से बाराबंकी, कहाँ जाना है, गाड़ी नहीं मिल रही, क्या दिक्कत आ रही है, सवारी नहीं, साधन नहीं चल रहे, साधन नहीं चल रहे, कब से खड़े, कितनी देर से, एक घंटे से खड़े हुए। देखिए ये हाल है यहाँ पे कि यात्रियों को भी परेशान होना पड़ रहा है और आम नागरिक भी परेशान है लेकिन क्या किया जाए, अयोध्या में इतनी भीड़ लगी है कि बाराबंकी पुलिस ने एक डायवर्जन का एडवाइजरी जारी किया है कि यहाँ से कोई भी इस वक्त अयोध्या नहीं जाएगा क्योंकि अयोध्या में भारी भीड़ होने की वजह से वहाँ पुल रखने की भी जगह नहीं है। देखिए कितना जाम लगा हुआ है हाईवे पे NH28 पे, पूरा जाम लगा, पुलिस प्रशासन पूरा इसको मैनेज कर रही है और देखिए लंबा जाम लगा हुआ है, ये पूरा बेइंतहा लंबा जाम है यहाँ पे और यहाँ कुछ और लोग भी, कहाँ से आए आप लोग, ये गाड़ियाँ बीच में क्यों खड़ी है, फैजाबाद जाना है, फैजाबाद जाना, कब से खड़े हैं, गाड़ी है क्या, डेढ़ घंटे से खड़े, कार है, नहीं मिल रही कोई, नहीं हमारे कार है, जाने नहीं दे रहे, नहीं जाने दे रहे, क्या कह रहे हैं लोग, बहुत जाम है, बस्ती तक जाना है। ये देखिए एम्बुलेंस भी फंसी हुई है इसमें और एम्बुलेंस भी निकल रही है और काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और देखिए यहाँ कुछ यात्री अधिकारी बैठे हैं, इनसे भी मिलवाते हैं, पुलिस वाले काफी उसमें है और ये लेके आप निकालिए, कहाँ जाना है आपको, आए कब से फंसे हुए, आधे घंटे के ऊपर, तो ये है यात्री यहाँ पे सब फंसे हुए, कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं पूछते हैं सर क्या रूट डाइवर्ट किया गया है, क्या है मैम रूट डाइवर्ट किया गया, रूट डाइवर्ट नहीं, व्यवस्था मेंटेन करने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको डाइवर्जन पे रखा गया है। अच्छा अयोध्या में क्या बहुत भीड़ होगी, क्या होगी, अब भीड़ चूंकि पहले से जो लोग है वहाँ पे ज्यादा संख्या अपेक्षा कर ज्यादा लोग पहुँच गए इसलिए यहाँ पे थोड़ा रोका जा रहा है। अच्छा काफी लंबा जाम हो गया, काफी देर से लगा हुआ है, अब एक गाड़ी पे थोड़ा समय तो लगता है पूछने में कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है, किधर से भेजा जा रहा है डाइवर्ट, जो स्पेशली दर्शन के लिए जा रहे हैं उनको तो होल्ड किया जा रहा है, बाकी अन्य कामों से जैसे उनकी जरूरत के हिसाब से कोई मेडिकल इमरजेंसी है
कोई ड्यूटी है तो भी ये तीन चार कारण है तुमको ये भी हमारे साथ सीओसी भी जिन्होंने बताया डॉक्टर बीओ सिंह जिन्होंने बताया कि यहाँ पे एमरजेंसी जिनको जाना है उनको होल्ड किया जा रहा है और जो लोकल लोग हैं उनको बाराबंकी दूसरे रास्ते को डाइवर्ट किया जा रहा है। कैमरामैन शालेन के साथ रेहान मुस्तफा आज तक।